कोई 5 साल पहले की बात है, वी वर इन न्यूयॉर्क और एक फ़ोन आया मेरी मॉम का था। वैसे तो हर रोज़ फ़ोन आता था, इस बार उन्होंने बातें हुई थोड़ी और फिर उन्होंने बोला कि देयर समथिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट। तो आई सेड हाँ जी। शी सेड देयर इज़ बैड न्यूज़, पापा का कैंसर डिटेक्ट हो गया है एंड माई मदर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, बट यू नो एट टाइम्स लाइक दिस लगता है कि फैमिली के साथ होना चाहिए। पर उन्होंने मुझे बोला रब दी सौ तू वापस ना आई, तू टेक केयर ऑफ योर करियर, तू थे यू वर्क हार्ड, यू टेक केयर ऑफ योर करियर। आई डिड द ओनली थिंग आई न्यू, मैं सब कुछ पैक पुक करके एक महीने में वापस चंडीगढ़ पहुंच गया। पहुंचते ही पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि हुआ क्यों है, नॉन स्मोकर वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, तो इनको ये हुआ क्यों है। ये हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि एक टाइम था जब ये वाला जो ब्लड कैंसर है कि जो केस होते थे उनके पास 8-10 केस आते थे महीने के, 8-10 केसेस अ मंथ। आजकल उनके पास 7-8 केस दिन के आते हैं। दिस वॉज वेरी शॉकिंग। ऑन द अदर हैंड माई वाइफ एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग आर सेकेंड चाइल्ड, सो वी वेंट टू द गायनेकोलॉजिस्ट, वहाँ से हमने सारे टेस्ट कराए उनके। तो उनके टेस्ट करवा के जब रिपोर्ट्स आई तो गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब कर दिया ये विटामिन वो मिनरल, आप ये खाएं, आप इसमें डेफिशिएंट हैं, आप उसमें डेफिशिएंट हैं। और एक काफ़ी कुछ अजीब सी बात थी क्योंकि अभी तो मतलब 3 साल पहले हमारी पहली डॉटर हुई थी अमेरिका में और वहाँ हम खाते थे बाहर का खाना, इधर का उधर का, एंड देयर वाज नो डेफिशिएंसी, वहाँ तो सब ठीक था। तो फिर ये इंडिया आके और यहाँ पर हम खाते हैं घर का खाना, वही घर का खाना जो हम हर रोज़ खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं। तो एक तरह मेरी डैड का स्लाइट हेल्थ इश्यूज और मेरी वाइफ के न्यूट्रिशनल इश्यूज, तो हमने कहा कुछ देखते हैं कि ये होता क्यों है। सो वी स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च कि हमारा खाना उगता कहाँ पर है, कैसे उगता है, एंड वी फाउंड 3 थिंग्स। पहली चीज़ जो हमारी मिट्टी है, हमने इसमें केमिकल डाल डाल के इसे इतना बेजान कर दिया है तो ये किसी और चीज़ को क्या जान देगी। वी हैव कम्प्लीटली रूइंड आवर सॉइल। उसके बाद पानी, जो हमारा पानी, आप बठिंडा बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ के जो आर ओ प्लांट मिलते हैं आप उससे भी वो पानी साफ नहीं कर सकते, देर इज़ नो वे ऑफ रिमूविंग दिस हैवी आइटम्स फ्रॉम वाटर। तो चलिए आपने खाना उगा लिया इस धरती में इस वही वाला पानी डाल के, और जो खाना पहले इतना अननूट्रिशियस था आपने क्या किया, उसी को जाके डाल दिया मंडी में, तो जो पहले अननूट्रिशियस था वो अभी बन गया है अनहाइजीनिक। सो देर इज़ अ प्रॉब्लम, तो भी हम क्या करें। तो मेरे पास 2 चॉइस थी, तो मेरी पहली चॉइस थी कि मैं बाहर चले जाऊं सबको लेके, मैं कर सकता था, शायद आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पर सब तो नहीं कर सकते ना। फिर हमने कहा कि हम सेकंड चॉइस देखते हैं, हम यहाँ बैठ के लड़ते हैं, वील ट्राई वील फिगर आउट कि हो क्यों रहा है, अभी करें क्या इसका। फिर हमने शुरू की अपनी रिसर्च कि ये हमको होता क्यों है, वाई इज दिस हैपनिंग, ये इतना गंदा खाना आ क्यों रहा है। जो हमने पहली चीज़ देखी कि कोई 50-60 साल पहले घर के आसपास ही सारा खाना उगता था, तो या तो आपका घर होते थे बड़े बड़े आधे आधे एक एक एकड़ के, या घर के आसपास ही थोड़े खेत होते थे जहाँ आपका खाना उगता था आपके बिल्कुल साथ। अभी वो एकड़ एकड़ के घर तो रहे नहीं। इज देयर एनी वे दैट वी कैन टेक 1 acre's प्रोड्यूस और उसको ऐसे ना रख के उसको ऐसे रख दें, कैन वी ग्रो फूड वर्टिकली, कैन वी ग्रो फूड विदाउट सॉइल, बिना किसी मिट्टी के। और जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं कैप्टिव वाटर, वो सिर्फ 10%, ओनली 10% ऑफ नॉर्मल एग्रीकल्चर। और क्या हम ये जो बना रहे हैं हम इसको वहां ले जाएं जहाँ खाने की ज़रूरत हो, घरों के ऊपर, होटलों के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर। सो देर इज सच ए टेक्निक, हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में हम ऐसे खाना उगाते हैं इन टीयर्स। तो हमने पहले अपना छोटा सा एक सेटअप घर पे शुरू किया 10 प्लांट्स का, उसमें हमने लेटस उगाया, वही लेटस फिर हमने घर पे भी खाया और जो मार्केट में मिलता था वो भी टेस्ट किया। ज़मीन आसमान का अंतर है, आप अगर खुद उगा के देखेंगे इसमें तो आपको पता लगेगा। इससे हमें थोड़ा मतलब हौसला मिला और तो हमने कहा हम और करेंगे और करेंगे। वेरी सून विद इन 6 मंथ्स
हमारी 40-50% ऑफ ऑल वेजिटेबल नीड्स हमारे घर के ऊपर से ही आ रही थी हमारे पास. विद इन अ ईयर वो हम 80% पे ले गए. 80% हमारा खाना हमारे घर के ऊपर से आता था. अभी हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये कैसे होता है, ये मैं आपको बोर नहीं करूंगा. ये आप गूगल पे जाएंगे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, बहुत आर्टिकल्स हैं, बहुत वीडियोस हैं. पर जो हमने कर दिखाया अपने घर में ही अपना ही खाना उगा के, तो हमने कहा भी ये और लोगों को भी दिखाना चाहिए. तो हमने एक छोटा सा, आपको उदाहरण दूंगा, छोटा सा हमने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया है. एक 3 बेडरूम का फ्लैट हमने रेंट पे लिया चंडीगढ़ में, 1200 स्क्वायर फुट का 3 बेडरूम का फ्लैट. इस एक 3 बेडरूम 1200 स्क्वायर फुट के फ्लैट में से हम 80 केजीज ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम हर रोज के निकालते हैं. एंड दिस इज, और ये हमारा चंडीगढ़ बेस्ड फ्लैट. और ये कुछ मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं. जाते जाते आपसे एक कड़वा सच आपको बताते हुए जाऊं कि ये जो खराब खाना है ना, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये मारने में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. आप अमीर हैं या गरीब हैं, शहरों में रहते हैं या पिंडों में, ये आपको पहुंच ही जाएगा. तो उससे पहले कि ये आहिस्ता आहिस्ता बिन देखे आपको मारे, क्यों ना आप ही इसे एकदम खत्म कर दें, अपना खाना खुद उगाएं. थैंक यू.